हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर पहला मुख्य अतिथि कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुकर्णो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में गणतंत्र आत्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 तोपों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने। ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में अशोक सिंह के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वी आर अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स से बताइए कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।